दोस्ती और धोखा। जी हाँ, पठानकोट में आतंकी हमले के 4 दिन बाद भी सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन ऑपरेशन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आखिर कैसे कुछ आतंकियों ने हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ दिया और 4 दिनों तक सुरक्षा बलों को उलझाए रखा। पठानकोट एयरबेस 3 दिन पहले शनिवार को तड़के आतंकवादियों ने यहाँ हमला किया। अब तक हुए ऑपरेशन में 5 आतंकवादी मारे जा चुके हैं और इस दौरान एक अफसर समेत 7 जवान शहीद हो चुके हैं। पठानकोट एयरबेस आम सैन्य हवाई अड्डे के मुकाबले एक बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ आसपास घना जंगल है। एयरबेस का दायरा 18 स्क्वायर किलोमीटर फैला है। जब तक एक एक कोने को बारीकी से नहीं तलाशा जाएगा, पठानकोट एयरबेस को टेरर फ्री नहीं कहा जा सकता। लेकिन बीत रहा हर मिनट और हर सेकेंड ये सवाल खड़े कर रहा है कि क्या आतंकवाद के खिलाफ जंग में हमारा सिस्टम अपडेट नहीं। वैसे पठानकोट हमले ने देश के पॉलिटिकल और सिक्योरिटी सिस्टम दोनों पर सवाल इसलिए खड़े किए हैं क्योंकि 3 दिन बीत जाने के बाद ही बचे हुए आतंकियों की लोकेशन पता नहीं लग पाई है। सिस्टम पर सवाल इसलिए है क्योंकि एक बार फिर उसी रास्ते आतंकवादी घुस आए जहां से जुलाई में गुरदासपुर में हमले के लिए आतंकी आए थे। क्या हमारा सिक्योरिटी सिस्टम उस रास्ते की सुरक्षा में नाकाम रहा? एनएसजी का दावा है कि पठानकोट एयरबेस पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन एयरबेस के काफी बड़ा होने के कारण ऑपरेशन खत्म होने में वक्त लग सकता है। वैसे इस तरह के ऑपरेशन के पूरा होने में 2 से 3 दिन लगने की संभावना है क्योंकि कई किलोमीटर के दायरे में फैले जंगल में छुपे बाकी आतंकवादी अब तक ट्रेस नहीं किए जा सके। पठानकोट में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट और उसकी तैयारी को लेकर सवाल कई है। पठानकोट में आतंकी हमले की खुफिया सूचना थी, बावजूद इसके एयरबेस में तैनात रहे शहीद हवलदार गुरवंत सिंह और शहीद कैप्टन फतेह सिंह के पास लड़ने के नाम पर सिर्फ सेमी ऑटोमेटिक राइफल थी, जबकि आतंकवादी उससे घातक हथियार AK-47 से लैस थे। बावजूद इसके शहादत से पहले उन्होंने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। तो क्या 72 घंटे से ज्यादा हो चुकी इस लड़ाई को 72 साल पुराने हथियारों से लड़ा जा रहा है? क्या सियासत ने सिस्टम को ठीक करने के बारे में कभी नहीं सोचा और ऐसे मामलों पर भी राजनीति जारी रखी? पठानकोट से अजय महाजन और राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पठानकोट में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान की बातचीत की गाड़ी अटक गई है। 15 जनवरी को भारत पाकिस्तान के बीच सचिव स्तर की बातचीत होनी थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे माहौल में बातचीत की जाए? तिरंगे में लिपटे इन वीर सपूतों को देखकर खुदा भी रो पड़ा होगा। पठानकोट में सर्च ऑपरेशन आज 4th दिन भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत की गाड़ी अब भी पटरी पर दौड़ने को तैयार दिख रही है। लेट द ऑपरेशंस गेट ओवर एंड इट्स ओनली देन दैट गवर्नमेंट्स टेक अ व्यू ऑन सच मैटर्स। 15 जनवरी को इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत का कार्यक्रम है, लेकिन पठानकोट हमले के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ऐसे माहौल में भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए? नो, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू टॉक इन सच एन एटमॉस्फेयर। इंडिया वी हैव अ डेमोक्रेसी, पब्लिक ओपिनियन स्टार्ट टर्निंग अगेंस्ट द
the talks, you know, would be very difficult for any government to negotiate. PM Narendra Modi ki surprise diplomacy ki tasveerein mehz chand din pehle ki hain, lekin shayad garm joshi ke saath hui is mulaqat ke piche chhipe Pakistan ki shaitani mansha ko Bharat samajh nahi paya. पठानकोट हमले के गुनहगारों पर कार्रवाई के लिए भारत ने पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने सोमवार रात पाकिस्तान को कई सबूत सौंपे हैं. इसमें एयरबेस के अंदर से आतंकियों की हैंडलर्स से फोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी शामिल है. वहीं पाकिस्तान ने भी कार्रवाई का भरोसा दिया है. पठानकोट हमले के गुनहगारों पर कार्रवाई के लिए भारत ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया है. आतंकियों के फोन कॉल्स रिकॉर्ड, पाकिस्तान में बैठे उनके अकाउंट के नंबर और सीमा पार करने के सभी सबूत सौंपे हैं. लेकिन अब सवाल है कि नवाज शरीफ क्या चुनेंगे, आतंकियों पर एक्शन या फिर बातचीत. भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने पाकिस्तान को आतंकी संगठनों पर ठोस कार्रवाई करने को कहा है. भारत के अल्टीमेटम के बाद पाकिस्तान ने एक बयान में दावा किया है कि उसने भारत से मिले इनपुट पर काम करना शुरू कर दिया है. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है, पाकिस्तान सरकार भारत से लगातार संपर्क में है और वहां से दी गई लीड्स पर छानबीन की जा रही है. शायद ये पहली बार होगा जब किसी आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत से मिले सबूतों को ऐसे गंभीरता से लिया है और काम भी करना शुरू कर दिया. लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ की सरकार आतंकी संगठनों और सेना के आगे हमेशा लाचार नजर आती है. लेकिन अब पाकिस्तान के सामने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है. पाकिस्तान से भी पठानकोट के गुनहगारों पर कार्रवाई की आवाज उठ रही है. पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार डॉन ने लिखा है, सबूत मिलने पर पाकिस्तान को आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. भारत और पाकिस्तान की सरकारों को मिलकर समझदारी से आगे बढ़ना होगा ताकि आतंकवादी अपने मकसद में नाकाम हो. अमेरिका ने भी बातचीत को भारत और पाकिस्तान के हित में बताया है. भारत में भी विदेश सचिवों की मुलाकात टालने के पक्ष में फिलहाल संकेत नहीं दिख रहा है. सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार नवाज शरीफ सरकार को कुछ वक्त देना चाहती है ताकि बातचीत होने से पहले पाकिस्तान सरकार जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई कर सके. पठानकोट से अजय महाजन और राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.